नमाज क्या है? सहाबा किराम उहुद के मैदान में खंदक खोद रहे थे कि चार नमाजें कजा हो गई। कितनी नमाजें? बुलंद आवाज से कितनी नमाजें? पिछले भी बोले कितनी नमाजें? चार नमाजें कजा हो गई। सहाबा किराम ईशा के बाद हजूर से कहते हैं, हजूर खंदक तो खोद ली मगर चार नमाजें कजा हो गई तो कैसे पढ़ें? फरमाया सल्लू कमा राय तुमोनी उसल्ली, मुझे देखते जाओ जैसे मैं करता जाऊं वैसे करते जाओ नमाज हो जाएगी। ये कहते हैं कि सजदे का नाम नमाज है, रुकू का नाम नमाज है, क्याम का नाम नमाज है, करात का नाम नमाज है, कादे का नाम नमाज है, तशहुद का नाम नमाज है। मैं कहता हूं कि नमाज इबादत है, इसका दूसरा नाम मुस्तफा की अदाई है। जो जो मेरा हबीब करता जाए वो तुम करते जाओ, समझ लो कि नमाज हो गई। किसको खुदा ने आके नमाज पढ़ के दिखाई है? कोई एक बंदा तो हाथ खड़ा करके मुझे बताए कि मैंने खुदा को देखा है कि वो उसने हमें नमाज सिखाई है। है कोई बंदा यहां बैठा हुआ को रुतबे वाला हो या कम रुतबे वाला? रब तो नमाज से वैसे ही पाक है, क्योंकि नमाज में सजदा और रुकू और आजजी और तजल्लो है, और रब इससे पाक है। इबादतें जितनी भी हैं रब की, उनका दूसरा नाम मुस्तफा की अदाएं। रोजा अगर इबादत है तो रख के किसने सिखाया? मुस्तफा ने। जकात इबादत है तो ढंग किसने सिखाया? मुस्तफा ने। अगर हज इबादत है तो करके किसने सिखाया? मेरे आका ने। रब की सारी इबादतें ले आओ, कोई भी इबादत रब की अदा नहीं है, मुस्तफा की अदा है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। कोई एक इबादत तो दिखा दो जो रब ने करके दिखाई हो। कोई रब ने नहीं की। बहाना इबादत का है। क्या कहा मैंने? बहाना। दर हकीकत अल्लाह अपने प्यारे की अदाएं क्यामत तक जिंदा रखना चाहता है, क्यामत तक जिंदा रखना चाहता है। तो हजूर सुन फरमाए कि मुझे देखते जाओ जैसे मैं करता जाऊं वैसे पढ़ते जाओ, तुम्हारी नमाजें कजा हो जाएंगी।